सो ही गाइस, हम लोग आ चुके हैं नया ब्लॉग पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक फ्लाइट रेस्टोरेंट। ठीक है गाइस, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो कोई ना, तो गाइस सॉरी, डोंट माइंड। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक फ्लाइट रेस्टोरेंट फ्रेंड के साथ। क्या बोलते हो, चलो चलो गाइस, तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अभी। तो पास टिल देन, ओके गाइस, टिल देन बाय। साथ में कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ भाई, कोई नहीं है मेरा। तो कहीं बात हो तो आप लोग दिख जाएगा ब्लॉग में, सब कुछ दिख जाएगा। तो कैसा है फ्लाइट रेस्टोरेंट, मेरा फ्रेंड भी है, वो शूट करेगा, तो दिखा दो भाई, दिखा दो। आप लोग को सिनेमैटिक शॉट दिख जाएगा, तो बाहर का भी शॉट दिखा दिया, दिख जाएगा मतलब दिख जाएगा। तो भाई आप लोग तो इंस्टाग्राम पे, तो भाई हम लोग तो भाई सिंगल हो, समझ रहे हो, ये भी ये भाई सिंगल नहीं है, देख पा रहे हो, ये सिंगल नहीं है, देख पा रहे हो कैसे चैट कर रहा है। नहीं भाई, सो गाइस इसका फोन में संभाल रहा है। बाय द वे गाइस, हम एंजॉय करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आप लोग को और भी दिख जाएगा, और भी कुछ दिखेगा, तो अंदर का सभी शॉर्ट्स भी दिख जाएगा, एयरलाइंस का मतलब एरोप्लेन एरोप्लेन स्पीड का। चलो बाय द वे गाइस, देख पा रहे हो, आएंगे तो मिलेगा। तो इसमें दो तरीके का जो है, एक प्लेन में ऊपर बैठ सकते हो फ्लाइट में उसके अंदर एसी, एंड अगर बाहर में भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि बाहर एक्सटीरियर बहुत अच्छा हम लोगों ने प्लान किया। अगर आप देखेंगे तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ होगा, बहुत अच्छा सा कॉटेज हम लोगों ने प्लान किया है। कॉटेज में बहुत अच्छे से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपको। एंड जो एरिया हम लोगों ने बनाया है, बहुत ही थॉट प्रोसेस मेरा बहुत ही चला इसको लेकर, किस तरह की अपनाना चाहिए, जो डिफरेंट लगे, जो लोग पसंद है, जो लोग अट्रैक्ट कर रहा है, आजकल की जनरेशन जो चाह रही है उसको ही मुझे करना है, इस तरीके से किया है। एंड जो एंड सबसे जो मुझे खास लगा, जो मैंने आई लव मुस्तापुर, क्योंकि आई लव मुस्तापुर, आई लव दार्जिलिंग, आई लव ऑल सब जगह चल रहा है, ट्रेंडिंग में ही चल रहा है टॉपिक। प्लेस का नाम क्या, एक बार बोल दो ब्लॉग पे, कहाँ पर है? मालदा सिटी में, मथुरापुर में एक जगह है, जो मैंने बताया स्टैंड से, मथुरापुर स्टैंड से बाहर साइड है, आपको बहुत अच्छा खासा जो है टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने।
आइए विजिट कीजिए आप, आई होप कि आप लोग बहुत पसंद आए। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो एक क्वेश्चन और भी था। हे यू, एक और क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो क्वेश्चन है कि आज के दिन 14 फरवरी को क्यों ओपन करने का है? क्योंकि आज ऑब्वियसली वैलेंटाइन डे है, स्पेशल मुझे नहीं लगता कोई डे हो सकता है। ओके ओके, दैट्स राइट, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। बड़ा एंबियंस है और बहुत सुंदर जगह है और खाना भी अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, और जो चीज एक छोटे से टाउन में नहीं होता है उससे ज़्यादा बड़ा कुछ हो रहा है यहाँ पे। और टोटल ये वैलेंटाइंस डे है तो कपल्स तो आएंगे ही और उसके साथ साथ फैमिली, सिंगल लोग का सिंगल भी आ सकते हैं। खाना अगर ज़रूरी नहीं होता है तो फ्रेंड के साथ भी आओ, और घूमना है तो फ्रेंड भी होता है। और ये टोटल एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आया है, और मेरे पर्सनल ओपिनियन से यही पता होता है खाना भी अच्छा मिल रहा है, एम्बियंस सुंदर है, और हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे। और क्या बताऊँ, आई होप बहुत कस्टमर्स आएंगे, आज ओपनिंग डे है, सो दैट्स इट। सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके गाइज, तो ब्लॉग को रेफर एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर से आएंगे ब्लॉग पे। ठीक है गाइज, ओके, टिल देन बाय बाय।